हेलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं गुजराती खांडवी। और देखिए ये बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब देखिए मैं इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल में मैंने एक कटोरी फ्रेश दही ले लिया है और एक कटोरी उसी के बराबर मैंने बेसन ले लिया है और उसी कटोरी से मैं बराबर दो कटोरी भर के इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, जो बेसन में जो गुठलियाँ रह जाएँ वो बिल्कुल भी ना रहे। और उसमें मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। और देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसी कढ़ाई में मैं इसके लिए हल्के हल्के से चला लूँगी और फ्लेम को हल्का कर लेंगे और मीडियम में हम इसे प्रॉपर चलाते रहेंगे, क्योंकि हम अगर रुक जाएंगे तो इसमें जो ये फट जाएगा, इसमें दही पड़ा हुआ है। अब देखिए हमारा बनने वाला है। अब देखिए मैंने दो थाली ले ली है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है थोड़ा थोड़ा सा पूरा। अब मैं इसको मैं उन थालियों पे दोनों पे मैं इसको फैला दूंगी, जितना पतला हो पाए उतना पतला मैं इस पे पूरी थाली पे फैला दूंगी, बाकी का मैं दूसरी थाली पे फैला दूंगी। अब इधर मैंने एक चमचे ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, उसमें देखिए आप करी पत्ते हैं ये, इसमें मैं थोड़े से करी पत्ते डाल दूंगी। पहले आधा चम्मच मैंने राई डाल दी है और राई में मैं ऊपर से डाल देती हूँ ये करी पत्ता, करी पत्ते के ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा आधा चम्मच ये सफ़ेद तिल। अब अच्छे से मैं इनको हल्के हल्के से भून लूँगी। अब देखिए ये चटकने लगे हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर लें। अब देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डालती हूँ सहजन चटनी, ये बिल्कुल नई तरीके से मैं बना रही हूँ। अब बहुत अच्छा बनेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा ये। अब देखिए मैंने पूरे पे ये सहजन चटनी लगा ली है। अब ऊपर से मैंने जो अभी तिल और ये करी पत्ते इसको भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें सब डाल दिया है, फैला दिया है पूरा। अब ऊपर से डाल देती हूँ मैं नारियल का बुरादा, देखिए। अब मैं चाकू से इसे बीच से कट कर लेती हूँ। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। अब देखिए मैंने सबको कट कर लिया है। अब मैं एक एक को इस तरह से पहले चाकू से मैंने थोड़ा सा उठा के मैंने इसको देखिए ये बहुत अच्छे से रोल बन गए हैं। अब देखिए हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सबको अच्छे से काट लूँगी और इधर भी मैंने दूसरे में थोड़ा सा ऊपर से प्याज ज़रूर डाल दिया था, आप चाहे प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दी थी एक थाली में, मैं दिखा नहीं पाई। और ऊपर से देखिए हमारे सब तैयार हो गए। ऊपर से मैं थोड़ा सा सहजन चटनी और लगा देती हूँ और ऊपर से मैंने राई करी पत्ता और ये सफ़ेद तिल ऊपर से डाल दिए हैं और ऊपर से डाल देती हूँ मैं नारियल का ये बुरादा ऊपर से डाल देती हूँ। ये हमारे तैयार हो गए गुजराती खांडवी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत सॉफ्ट बनी हुई है ये। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।